उड़ान से लोड होके आए हैं। इसमें टोटल 40 टन ऑक्सीजन है, जो कल ये ट्रेन चली है 9:30 बजे रात में दुर्गापुर से, और यहाँ 9:30 बजे यार्ड में आगे खड़ी हो गई है। यहाँ पर जिला प्रशासन, पुलिस, फायर ब्रिगेड, रेलवे और कानपुर की टीम मौजूद है। इसके अलावा अनलोडिंग करने के लिए कानपुर जो पनकी ऑक्सीजन है वहाँ के भी लोग हैं, लिंडे के भी लोग हैं। तो सभी टीम वर्क की तरह काम करके जल्दी से जल्दी रेक का अनलोड करके वापस भेजेंगे, ताकि जल्दी जल्दी दोबारा लोडिंग होगी, जहाँ ज़रूरत हो वहाँ ऑक्सीजन तेज़ी से पहुँच सके। क्या कानपुर में दोबारा कोई खेप आने वाली है? ये अभी इसका निर्णय नहीं हुआ है, जैसे निर्णय होता है वो पता चल जाएगा। तो ये दो ही आए हैं कि पिछली बार चार आए थे? पिछली बार चार आए थे, पिछली बार आवश्यकता और एलोकेशन अलग था, इस बार दो हैं। अब इसमें देखना पड़ेगा। ये डंप सर कानपुर में ही किया जाएगा, और कहीं भी देखी जाएगी? ये अभी जिला प्रशासन का निर्णय, इसमें क्या करना है, जो भी शासन से आएगा एलोकेशन उसी हिसाब से एलोकेट किया जाएगा। कितनी मात्रा में आई हुई है? 40 टन। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।